वास्ते मोटा अधिकारी ने बुलाने को आश्वासन नहीं देवे तो आपा सगला गेट के मुंडा के बैठ जगह माइन है जगह माइन है बाहर है जगह बाहर अंदर बैठे हैं तो निवेदन तो उनसे यही रहेगा कि वो हमारे मध्य आकर और हमें ये बताने का कष्ट करें कि हम किस सक्षम अधिकारी के समक्ष हमारी बात रखें जिससे वो हाथों आदेश कर दे कि भाई ये जो बिलों में विसंगत गया है वो कैंप लगाकर दूर की जाए। एक तो आपने बिल दे दी है 40-40, 50-50 हजार के बीपीएल का आदमी खाद्य सुरक्षा में 2 रुपये किलो गेहूं लगकर अपना पेट पालने वाला आदमी 40 हजार का बिल कहां से भरेगा। एक भांडो पानी को ले रहा जान की जहमत को नहीं उठावा तो आपा का गांव को भलो कदे नहीं हो सकता। आपन एक दूसरे की पीड़ा में एक दूसरे को साथ देना पड़े। सगला लोग एक चीज और कहे भी मोहल्ला में जावे को नहीं अभी मोहल्ला में जावे को नहीं जावे ठीक है लाई बाकी तो कम नुकसान को नहीं है तो जका मोहल्ला में पीड़ा नहीं है। ज्यादातर मुस्लिम मोहल्ला में ज्यादा लपड़ो है। अगला बिल देखो आज मुंडा एन ऑफिस के सामने जो बिजली विभाग के खिलाफ जो ना चाहे अनचाहे बिल और मनमानी ढंग से रीडिंग और जो उनके विद्युत प्रवाह जो लगाए जा रहे हैं जिनका खामियाजा मुंडवा की जनता को भुगतना पड़ता है उसके खिलाफ हमने एक धरने का आह्वान किया था कल जो आज सवेरे 11 बजे से हमने तकरीबन 3 घंटे तक दो घंटे तक एन साहब के इंतज़ार करने के बाद एन साहब से हमारी उस मांगों को लेकर बातचीत हुई। हमारे प्रमुख मुख्य बिंदु ये था कि जिसमें नगर पालिका में अपने जो बिल आ रहे हैं क्षेत्र में आम जनता के लिए जो मनमाने ढंग से रीडिंग या मीटरों की कमी का हो चाहे आप कोई भी दूसरी वजह ले लो जो ये जनता वहन नहीं करेगी। हमने ये उनको जनता को विश्वास दिलाया था। इन साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इनके लिए 1-2 दिवसीय हर प्रत्येक 3 वार्ड के लिए 1 दिन छोड़कर एक ये अपने एक टीम के गठित करके और एक हेल्पलाइन बिठाएंगे और उसमें सबसे साक्षात्कार होकर उनकी समस्या को सुना जाएगा और उनकी समस्या को निराकरण करके उनको संतुष्ट किया जाएगा। और दूसरा हमारा मुख्य मुद्दा था कि भी जो मीटर ऊपर हैं उनको नीचे लाया जाए। उनके लिए भी हमारी बातचीत हो गई है कि वो सहमत हो गए कि सारे मीटर नीचे ला दिए जाएंगे और उनके लिए उन्होंने 1 हफ्ते भर का समय मांगा है और इसका भी ये बोर्ड समाधान हो जाएगा। तीसरा हमारा मुद्दा था जो विद्युत कटिंग होती है सवेरे 2 घंटे की शाम को 2 घंटे की जिसका नुकसान छोटे व्यापारियों को ग्रहणियों को काम करने में तकलीफ होती है। किसी को सवेरे उठ के कहीं जाना रहता है नहाने धोने में सवेरे सर्दी का समय गर्म पानी का काफ़ी समस्या होती है तो उसके लिए भी PWD डिपार्टमेंट से और अपने एन साहब से कल एक हमारी मीटिंग हो जाएगी नगर पालिका में उसमें भी इसका एक डिसीजन ले लिया जाएगा शाम को अपन बिजली की कटौती करें या सवेरे करें। तो ये सारी समस्या आज हमारा लेकिन धर्मना प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और हम इसमें एक अच्छे स्तर पर पॉजिटिव रूप से हमें रिजल्ट मिला है और आशा रहेगी कि जनता के लिए बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। और पिछले 4 दिनों से आप लगे हुए हैं उनके घरों के कनेक्शन काटने के लिए। अगर ऐसा बिजली बोर्ड इस मुंडवा में करने की चेष्टा करता है तो शायद मेरे हिसाब से मुंडवा का थाना परिसर कम पड़ जाएगा। आप इतने लोगों को रखोगे कहा इतने मुकदमे दर्ज होने भाई ज्यादा से ज्यादा आप राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करवाओगे तो मुंडवा थाने में मेरे हिसाब से इतने आदमियों को रख विजिट में मजूरी है ना थाका बिला को संशोधन थाका बिला में सही करने में मजूरी को नहीं इस प्रकार का मोटा अधिकारी ने बुलाने को आश्वासन नहीं देवे तो आपा सगला गेट के मुंडा के बैठ जगह माइन है जगह माइन है बाहर है जगह बाहर अरे चेयरमैन साहब बोलो।
मुंडवा में विगत कई सालों से बिजली को लेकर काफी समस्या से गांव ग्रसित रहा है, और एक तो बिजली सही पूरी बिजली नहीं देती, और फिर इन्होंने क्या करा कि लोगों के जिनके बेचारों के बीपीएल परिवार हैं, जो छोटे जो कंज्यूम करते हैं बिजली को, जो छोटी परिवार इकाई हैं, उनके 40-40, 50-50 हज़ार के बीच एक महीने में यूनिट 70, दूसरे में 80, तीसरे में 90 और चौथे महीने में 1000 यूनिट बिल आ गई। उसकी वजह से लोगों में बड़ी पीड़ा थी। कई सालों से लोग जाके ऑफिसों में समझा रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारे बिलों को थोड़ा आप एडजस्ट करो, लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारी लगातार पब्लिक को नज़रअंदाज कर रहे थे। तो आज लोगों को सामूहिक रूप से लेकर बिजली बोर्ड गए और वहाँ जाकर धरना देकर बिजली बोर्ड के अधिकारियों से ये मांग की कि इनकी बिलों की विसंगतियाँ सुधार दी जाए। लाइट कटौती का कुछ पता ही नहीं है, कब काट देते हैं कब जोड़ देते हैं कोई पता ही नहीं है। बिजली के मीटर इतने ऊंचे लगा रखे हैं कि जिन लोगों के बिजली के बिल ज़्यादा है उन्होंने आज तक अपने मीटर को देखा ही नहीं, 20-20 फुट ऊंचे पोलों पे लगा दिया। तो लोगों में एक अविश्वास की भी भावना थी, तो अधिकारियों से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप इन विसंगतियों को सुधारने का प्रयास करो, गाँव की जनता को रिलीफ दो आप, ये मांग किया।